हैप्पी स्कोप के साथ मैं हूं आपके साथ चेतना। और सितंबर के शुरुआत के इस सप्ताह में काफी जरूरी ग्रहों की चाल जो है वो बदल रही है और कई सारी युक्तियां बन रही हैं। शुक्र और शनि जो है वो आमने सामने होंगे और फिर साथ आएंगे मंगल और गुरु, जिसके बाद युक्ति बनेगी बुध और गुरु की। लेकिन इस सारी युक्तियों का क्या असर पड़ेगा आपकी राशि पर, ये जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आज के हैप्पी स्कोप की तरफ, ओनली ऑन धर्मा लाइव। लेकिन उससे पहले हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज राशि के साथ। एरीज यानी कि मेष राशि, ये सप्ताह आपके लिए दोस्तों और सहपाठियों के साथ सौहार्द का रहने वाला है, जिसका मतलब है कि फ्रेंड्स विल कम फर्स्ट। तो ऐसे में जॉब में हैं आप तो आपको अपने कलीग्स का काफी अच्छा सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। साथ ही साथ किसी नए प्रोजेक्ट के लिए भी आप चुने जा सकते हैं, जो कि भविष्य में आपको बहुत अच्छा नतीजा जो है वो दे सकता है। बिजनेस में हैं आप तो आपको दोस्तों से और प्रियजनों से निवेश मिल सकता है, साथ ही वो आपकी सराहना जो है वो भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। स्टूडेंट है आप तो किसी अच्छे स्टडी ग्रुप से आप टकरा सकते हैं, जो कि आपको काफी मदद कर सकते हैं। अगर बात करें प्रेम संबंधों की तो आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा बिजी हो सकता है, शायद आप घूमने का प्लान बना सकते हैं और साथ ही कोई अच्छा सा सरप्राइज भी मिल सकता है आपको। सबसे बढ़िया ये कि इस सप्ताह दोस्तों को लेकर आपके कई सारे अलग अलग प्लान जो है वो बनेंगे, अच्छे पल जो है वो बीतेंगे, जिन्हें लेकर जिंदगी भर आप उनकी याद को अपने साथ रखेंगे। माता पिता संग संबंध अच्छे रहेंगे। सेहत के लिहाज से अगर देखें तो आप थोड़ा सा थका हुआ या फिर एग्जॉस्टेड महसूस कर सकते हैं, तो छोटा सा ब्रेक जरूर लें। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ये सप्ताह जो है ये आपको सिखाएगा अपनी प्रायोरिटीज को सही ढंग से रखना। जॉब में हैं आप तो आपको शायद ऐसे कुछ काम दिए जाएं जो आपको करने में तो बहुत ही आसान लगे, मगर आप उन्हें ढंग से खत्म ना कर पाएं। ऐसे में आपको अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है उनको काफी अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ बिजनेस में हैं आप तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि उतने ही पैर पसारें जितनी चादर हो, यानी कि अपने निवेश को देखभाल कर करें। जहां तक बात स्टूडेंट्स की है तो आपको इस समय उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां पर आपके जो फंडे हैं आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। प्रेम संबंधों में ये बताएंगे आपको कि आप जो है समय आपके लिए अच्छा कटेगा, और आप अगर अरेंज मैरिज के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं तो फिर ये सप्ताह जो है आपको कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आपका मन लग जाए। माता पिता संग आपके संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे, मगर थोड़ा वो आपको निवेश को लेकर कुछ कह सकते हैं जिसकी वजह से अनबन जो है वो हो सकती है आपके बीच, मगर कोई बात नहीं, ज्यादा समय तक अनबन जो है वो नहीं रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अपने गले का आप जरूर ख्याल रखें। जमिना यानी कि मिथुन राशि, ये सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से पहचानने की सलाह दे रहा है। जॉब में हैं आप तो अपने काम को काम की तरह ही करें, ना कि ऑब्सेशन की तरह उसके पीछे पड़ जाएं। ऐसा हो सकता है कि कुछ नतीजे जो है वो आपको देर से मिले, मगर इससे आप निराश ना हो। बिजनेस में हैं आप तो आपको थोड़ा सा संभल कर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ भावनाओं में बहकर कहीं पर भी आप निवेश ना करें। हो सकता है कि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा कुछ आ जाए आपके सामने, मगर उसमें निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा और सलाह यही है कि दोस्तों को दोस्त ही रखें, किसी अनचाहे पचड़े में आप ना पड़े तो अच्छा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो समय अच्छा है, मगर आपसे थोड़ा धीरज रखने को कहा जा रहा है, ताकि आप अपने पार्टनर जो है उनकी मंशाओं को भी समझ कर और उसके बाद ही उनके साथ आगे बढ़े। माता पिता संग संबंध थोड़े से चिंताजनक हो सकते हैं, मगर सब्र से काम लें। स्वास्थ्य में आपको अपने पेट का ख्याल रखने की सलाह दी जा रही है। कैंसर यानी कि कर्क राशि, इस सप्ताह आपके पास अवसरों की भरमार आ सकती है, तो सावधानी से हर एक अवसर को माप कर आगे बढ़ें। जॉब में हैं आप और चेंज करने का सोच रहे हैं तो आपको कई अच्छे मौके जो है वो मिलेंगे और ये आपको सामने से आ सकते हैं, मगर हर आने वाले मौके पर ना चढ़ जाएं, थोड़ा सब्र रखें। अपने काम में आप पारंगत होंगे और अच्छी रिकॉग्निशन जो है वो भी आपको मिलेगी, इसके पूरे चांसेस हैं। बिजनेस में आपको कई अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। आपको सप्ताह के अंत तक जो लाभ हो उसका कुछ हिस्सा जो है उसे निवेश में जरूर लगाएं। स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो अच्छा रहने वाला है और फोकस बना रहेगा आपका। प्रेम संबंध भी काफी अच्छे रहेंगे आपके। ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे लोग आपके दिल को जीतने की कोशिश में लगे हों। अभी किसी से सीरियस अट्रैक्शन जो है वो ना रखें और थोड़ी दूरी जो है उसे बनाए रखिएगा। माता पिता संग संबंध आपके अच्छे रहेंगे और आप उनके लिए कोई अच्छा निवेश भी कर सकते हैं। सेहत की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा अपने हाथों और पैरों का ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि कहीं से अचानक चोट ना लग जाए। लियो यानी कि सिंह राशि, ये सप्ताह खुद में इन्वेस्ट करने का है, तो इसे उसी हिसाब से लें।
आपके लिए जॉब में खासकर ये सलाह है कि कोई भी काम अकेले ना करें और हो सके तो आप अपनी ओर से जो काम है उसको या तो किसी को और को करने दें, लोग ढूंढ लें उसको करने के लिए, या फिर उसे अपने साथ वाले लोगों को डेलीगेट ज़रूर कर दें। बिजनेस में हैं आप तो अच्छे वाले अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकते हैं आपको, जहां आपका इन्वेस्टमेंट करना आपके भविष्य में बहुत लाभदायी होगा। ऐसे में आपके लिए एक और अच्छी सलाह यही है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनमें अपना समय और उनमें अपना जो पैसा है उसे ज़रूर लगाएं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है और नया सब्जेक्ट जो है कोई अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो ज़रूर सीखें, काफ़ी लाभदायी होगा। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, मगर आपके लिए यही सलाह है कि किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर पर ओवर डिपेंडेंट ना हो, अपनी पहचान और अपने खर्चे को अलग अलग रखें। माता पिता संग आपको ये जरूर लग सकता है कि वो थोड़े आपसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं या फिर सलाह दे रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह समझकर उसे सुने और शांति बनाए रखें। सेहत के हिसाब से अपनी आंखों का ख्याल रखें और सर दर्द होने पर एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं। वर्गो यानी कि कन्या राशि, ये सप्ताह आपको बेहतर मनी मैनेजमेंट करने की सलाह देता है। नई जॉब की तलाश में है तो सारे के सारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़कर उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, कहीं ये ना हो जाए कि आपकी इच्छा कुछ और हो और काम में तनख्वाह कम मिले। साथ ही अगर जॉब में है और आपको किसी तरीके से प्रमोशन जो है उसके लिए बोला जा रहा है तो फिर से देख लें कि पोजिशन के साथ और क्या क्या फायदे जो है वो आपको मिल रहे हैं। बिजनेस की बात आती है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो है ये कि कभी कभी छोटा निवेश बड़े रिटर्न दे सकता है। अच्छे एक्सपर्ट से बात करके अपने लाभ का एक हिस्सा किसी अच्छी जगह पर और लो रिस्क वाली जगह पर जरूर इन्वेस्ट करें, इससे आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध में आपसे यही गुजारिश है कि अपनी ओर से किसी भी ऐसी चीज का वादा ना करें जो आप बाद में निभा ना पाए। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उन्हें कोई महंगी चीज जैसे कि घड़ी या जेवर पसंद आ जाए, मगर अपनी जेब देखकर ही आप पैसे को खर्च कीजिएगा। माता पिता से संबंध ठीक रहेंगे, मगर कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांगने आ सकता है, उनकी यथाशक्ति ही मदद करें। सेहत के लिए सप्ताह जो है वो अच्छा रहेगा। लीब्रा यानी कि तुला राशि, ये सप्ताह आपको अपने सच्चे दोस्तों और अनचाहे दोस्तों के बीच का फर्क जो है वो सिखा रहा है। जॉब में हैं अगर आप, इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा ऐसा कलीग है जो आपके किए हुए काम का अप्रिसिएशन खुद ले जाता है। जब तक जरूरी ना हो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखें और खासकर अगर जॉब चेंज की सोच रहे हैं तो बहुत कम लोगों से अपने प्लान्स को आप डिस्कस करें। बिजनेस में हैं आप तो आपको काफी सहारा मिलेगा बाहर के लोगों से और कंपनीज जो हैं उनसे भी। आप अपने ड्रीम बिजनेस को भी शुरू करने का सोच सकते हैं या फिर उसे आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि हेल्दी डाइट को वो इम्पोर्टेंस दें। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह जो है वो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी नए इंसान को ढूंढ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। माता पिता संग संबंध अच्छे रहेंगे। सेहत के हिसाब से अपने कंधों और पीठ का ख्याल रखें। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आपके लिए पुराने कामों को खत्म करने का है। जॉब में हैं आप और सोच रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज आप तक क्यों नहीं आ रही हैं, तो उसका सीधा सा जवाब तो यही है कि आपने अभी तक अपने सीवी को तरीके से अपडेट नहीं किया है। तो अपनी ओर से ये मौका लें, अपडेट करें, ये सभी काम इस सप्ताह निपटाएं। बिजनेस में आप हैं तो ध्यान रखिए, पुराने कुछ पेपर वर्क की वजह से आपको नए सिरे से आगे बढ़ने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट की सलाह लेकर आप आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें हायर स्टडीज करनी है उनको कुछ अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो सप्ताह अच्छा है और आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। माता पिता संग थोड़ी सी अनबन हो सकती है तो कोशिश करें कि अपनी ओर से सब्र बनाए रखें। सेहत के हिसाब से अगर आपको पेट में कोई शिकायत है तो फिर किसी डॉक्टर से सलाह लें। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा सामाजिक और दोस्तों के बीच समय बिताने का रहेगा। जॉब में हैं आप और किसी आउटस्टेशन असाइनमेंट के लिए आपको बुलावा आता है तो तुरंत चले जाएं, बिल्कुल ना सोचें। ऐसी जगहों से आपके लिए कई अच्छे अवसर और कॉन्टैक्ट्स दोनों ही बनेंगे जो कि आपको भविष्य में बहुत काम आएंगे। बिजनेस में हैं आप और आगे किसी नए काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी और अच्छा निवेश भी मिल सकता है। अपनी आंखें और दिमाग इनके लिए खुले रखिएगा। स्टूडेंट हैं आप तो आपको सलाह है कि अपने टाइम टेबल को थोड़ा और नीति से तैयार करें, शायद अभी का टाइम टेबल आपको ज्यादा काम ना आए। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह कि आप अपने और अपने पार्टनर के दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, इससे आप दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वो बढ़ेगा और आप दोनों काफी इंजॉय करेंगे। माता पिता संग संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है कि वो आपको घर में कोई छोटी सी रेनोवेशन करने को कहें। सेहत के मुताबिक सप्ताह अच्छा है, मगर बुरी आदतों पर जरा कंट्रोल रखें। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, ये सप्ताह आखिरकार आपके लिए आपका मेहनताना लेकर आ रहा है। वो कई सारे नतीजे जिनका आप इंतजार कर रहे थे वो आपके इस सप्ताह मिलते हुए दिखेंगे।
जॉब में है तो हो सकता है कि काफी समय पहले जहां आपने अप्लाई किया हो या फिर जिसका आपको इंतजार हो वहां से आपको कोई खबर आ सकती है और आपका सप्ताह अच्छा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा है जो कि आपको कॉम्पिटिशन देता है तो फिर आपको इस सप्ताह उनसे आगे बढ़ने का मौका जो है वो भी दिया जाएगा। बिजनेस के लिए सप्ताह अच्छा है और सप्ताह के मध्य तक आपके लिए अच्छे लाभ जो है वो आएंगे और आपको निवेश करने का मौका भी मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह अच्छा है और आपको कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा है और अगर आप अपने संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं तो ये सही समय होगा। माता पिता से आपको काफी सपोर्ट भी मिलेगा और सप्ताह इस कारण और सुहावना हो जाएगा। सेहत के मुताबिक सप्ताह ठीक रहेगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ये सप्ताह जो है ये आपके लिए लोगों के साथ अपने संबंध और बेहतर करने का है। जॉब में हैं आप तो आपको आपके पुराने कलीग से फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा, इसी से आपको आगे बढ़ने के अवसर जो है वो भी मिल सकते हैं। तो ध्यान रखें और सभी से शिष्टाचार से मिलें और अपने टैलेंट के बारे में लोगों से बात जरूर करें। बिजनेस में हैं आप तो आपको अपनी ओर से किसी अनजान पार्टनर को अपने कामों में इंक्लूड करने से बचना चाहिए। कोई नया आइडिया अगर आए तो किसी जान पहचान के व्यक्ति से परामर्श लें। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह अच्छा है और आपको टीचर की तरफ से काफी सराहना जो है वो मिल सकती है। प्रेम संबंध अच्छे हैं और ऐसा हो सकता है कि किसी पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात हो जाए। भावनाओं में मत भइएगा और अपनी ओर से थोड़ा सा संयम जो है उसे बरत कर चलिएगा। अगर आपको आपके पार्टनर कोई खर्चा करने को कहते हैं तो थोड़ा संभल कर करें या फिर कुछ समय के लिए उसे टाल दें, ये बेहतर होगा। सेहत के हिसाब से सप्ताह अच्छा रहेगा और आपको सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करने की सलाह दी जा रही है। पाइसिस यानी कि मेन राशि, ये सप्ताह आपके बैलेंस को, संतुलन को काफी अप्रिसिएशन दिलाएगा। जॉब में है आप तो आपको नए तरीकों से पैसे कमाने का और आपके टैलेंट को दिखाने का अवसर जो है वो मिलेगा। आप अपने आने वाले भविष्य के लिए काफी सजग रहेंगे और अपनी ओर से कुछ बहुत अच्छा निवेश भी करेंगे। हो सकता है कि कोई पॉलिसी मैच्योर हो और वो आपको मिले। बिजनेस में हैं आप तो आप जिन जिन चीजों में पैसे डाल रहे हैं उनसे आपको लाभ और रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे, मगर इस वजह से हर जगह आप पैसे ना डालें और थोड़ा सा हाथ खींच कर चलें। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह थोड़ा और फोकस करने का है तो जल्दी डिस्ट्रैक्ट ना हो। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और सबसे अच्छी चीज ये कि पुरानी परेशानियां अगर चली आ रही थी तो फिर वो ठीक होंगी। माता पिता संग आपके संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे, अच्छा समय बिताएंगे आप उनके साथ और किसी बड़े बुजुर्ग से आपको तोहफा मिल सकता है। सेहत के हिसाब से ये सप्ताह अच्छा रहेगा।